नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विथ गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है E9 देशों की E9 पहल क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं E9 देश कौन कौन से हैं, साथ में E9 देश की E9 पहल क्या है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, E9 देशों की E9 पहल क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं E9 देशों को। तो E9 9 देशों का एक मंच है। इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। E9 जो देश है वो एक मंच है 9 देशों का, जो यूनेस्को की पहल के लिए, जो सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। E9 में E का अर्थ है एजुकेशन। E9 में E का जो शब्द का अर्थ है वो एजुकेशन से है, शिक्षा से है। और 9 का अर्थ है सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व, यानी उसके 9 सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं E9 पहल के। E9 पहल के सदस्य देश ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया हैं। कौन कौन से हैं E9 पहल के सदस्य देश हमारे? ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया। ये देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जितने भी देश हैं ये आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के 70% साक्षर वयस्क इन्हीं देशों से आते हैं, यानी जो 70% साक्षर वयस्क हैं इन देशों में हैं। E9 साझेदारी पहली बार वर्ष 1993 में स्थापित की गई थी, जिसका गठन यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल हेतु किया गया था। यूनेस्को ने एक पहल लाई थी सभी के लिए शिक्षा, उस पहल के तहत E9 साझेदारी स्थापित करी गई थी। E9 पहल को नई दिल्ली में EFA शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। E9 पहल देशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान, शिक्षा आदि से संबंधित अपने अनुभवों पर चर्चा करने का एक मंच बन गया है। जो E9 पहल है इसके अंदर क्या है, जितने भी E9 पहल देशों के लिए सर्वोत्तम जो प्रथा यानी शिक्षा से संबंधित उन अनुभवों का चर्चा करने का ये एक मंच है कि मेरे देश में कैसे शिक्षा पद्धति और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे चर्चा करने का एक ये बहुत ही खूबसूरत मंच है। E9 सदस्य के जो सदस्य हैं, जो G20 के सदस्य भी हैं, वो भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मैक्सिको हैं, जो कि G20 में भी सदस्य देश के रूप में हैं। और मैक्सिको एक OECD सदस्य भी है। 1993 में जब E9 देश बना तो विश्व की GDP में केवल 5% का हिस्सा था इसका, केवल 5% का। लेकिन आज के विश्व में GDP में इसका हिस्सा जो है वो 30% है। कितना प्रतिशत है? 30% आज के दौर में इसका हिस्सा है वर्तमान में। अब जो पहल है सभी के लिए शिक्षा, यूनेस्को की एक पहल है सभी के लिए शिक्षा, इसको जान लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ एक वैश्विक पहल है जिसे पहली बार वर्ष 1990 में यूनेस्को, UNDP, UNPP, यूनिसेफ और विश्व बैंक द्वारा थाईलैंड में शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू किया गया था। ये थाईलैंड में शुरू किया गया था एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, किस किसके द्वारा? यूनेस्को, UNDP, UNFPA, यूनिसेफ और विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसमें भाग लेने वाले को द्वारा सिखाने को विस्तारित दृष्टि का समर्थन किया गया, यानी जो सिखाने की जो विस्तारित दृष्टि है उसका समर्थन किया गया और प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने तथा दशक के अंत तक निरक्षरता को कम करने का संकल्प लिया गया। और 10 वर्ष बाद कई राष्ट्रीय सरकारें, नागरिक समाज समूह और विकास एजेंसियों के एक व्यापक गठबंधन ने डाकर सेनेगल में फिर मुलाकात की और वर्ष 2015 में EFA लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की। जो EFA लक्ष्य है, जो EFA शिखर सम्मेलन हुआ था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए एक पुष्टि की।
उन्होंने 6 प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की, जिनका उद्देश्य 2015 तक सभी लक्ष्यों युवाओं और वैश्यों को सिखाने की जरूरतों को पूरा करना था। जैसे डाकर फ्रेमवर्क में कहा गया था, वैश्विक शिक्षा बैठक घोषणा 2020, हाल फिलहाल में इनकी एक बैठक हुई थी सभी शिक्षा मंत्रियों की, जो E9 देशों के सदस्य प्रतिनिधित्व देश है हमारे, उनके शिक्षा मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई थी। तो वर्ष 2020 का जो है GEM घोषणा ने SDG4, ये क्या है, सतत विकास लक्ष्य 4 पर प्रगति में तेजी लाने के लिए COVID-19 महामारी से लड़ने हेतु तत्काल कार्रवाई हेतु 5 प्राथमिकताओं की पहचान की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में COVID-19 का खतरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ, इस कारण जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्कूल बंद है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे परेशानी हो रही है, यानी विद्यार्थी का जीवन जो है वो एक संकट की घड़ी में जा चुका है। और जो इसमें जो प्राथमिकता दी गई, 5 ऐसी प्राथमिकता, उसमें सबसे पहली दी गई शिक्षा का वित्त पोषण, दूसरा दिया गया कि स्कूलों को पुनः खोलना, तीसरा सहायक शिक्षकों को अग्नि पंक्ति में खड़ा करना और कौशल में निवेश करना तथा डिजिटल विभाजन को कम करना। यानी COVID-19 संकट ने पूरे विश्व में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमजोरी और असमानताओं को प्रकट किया है। लगभग सभी देश बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है, क्योंकि जब से COVID-19 की स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, कहीं ना कहीं उन देशों में शिक्षा पद्धति को हानि हुई है, और इसी के कारण डिजिटल लर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है अब बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्य 4 की। तो SDG4 संयुक्त राष्ट्र UN के सदस्य राज्यों द्वारा 2015 में सतत विकास लक्ष्य 2030 प्रयोजन को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। SDG कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जो सतत विकास लक्ष्य है ये हमारा, इस पहल के अंतर्गत E9 देशों की जो पहल है इसमें सतत विकास लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। SDG सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाले शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, E9 देशों की E9 पहल, जिसमें हमने देखा कि 2020 का बैठक की घोषणा क्या हुई, साथ में हमने जाना कि E9 देशों की शुरुआत कब से हुई, साथ में इसमें कौन कौन सदस्य देश हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोविड के कारण जो शिक्षा पद्धति पर हानि हुई है वो सबसे अत्यधिक हुई है, जिसके कारण कई विद्यार्थियों का जीवन एक संकटमय स्थिति में आ गया है। इसी के साथ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक बात और कि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने चैनल का नाम चेंज कर लिया, तो हाँ हमने चैनल का नाम चेंज कर लिया और नए चैनल का नाम है हमारा एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद।